वेल, काम्या पंजाबी ने बिग बॉस को ही एक्सपोज कर दिया है और वहीं मुनव्वर की गेम को भी एक्सपोज किया है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, जैसा कि हमने देखा कल के एपिसोड में, भाई मुनव्वर को एक ऑडियो सुनाया गया जिसमें अंकिता बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी, जिसके बाद यहाँ पर मुनव्वर ने बोला नहीं नहीं ये तो बहुत ही अनफेयर है। उसके बाद जाके यहाँ पर सजेशन लिया जा रहा है, रिंकू जी से सजेशन लिया जा रहा है, फिर अंकिता को भी बोल रहे हैं कई सारी बातें, तो अंकिता ने भी बोला ठीक है बोल दो, इसमें गलत क्या है। तो उसके बाद इन्होंने सबके सामने अनाउंसमेंट भी की। अब यहां पर अंकिता ने भी बोल दिया कि भाई बिग बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले मैंने ये चीजें रखी थी कि अगर ये ट्रीटमेंट आप देंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं, मैं बिग बॉस ही नहीं करूंगी। तो यहां पर इल्जाम क्या लगा कि भाई डॉक्टर से बाहर की बात पूछी गई। बाहर की बात तो ऐसी कुछ खास पूछी नहीं गई थी। यहां पर कोई भी कंटेस्टेंट जाता, अंकिता हो चाहे कोई अभिषेक हो, फिर ईशा हो, कॉमन क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि भाई मैं कैसी दिख रही हूं, कैसा चल रहा है, तो नॉर्मल हर कोई, इवन मुनव्वर जाते तो मुनव्वर खुद भी ये क्वेश्चन करते। इसके बाद इन्होंने फिर भी वही काम किया जो बिग बॉस चाहते थे, और एक्चुअल में मुनव्वर खुद भी यही चाहते थे लेकिन बुरा नहीं बनना चाहते थे। अब यहां पर बिग बॉस की गेम को और मुनव्वर की गेम को दोनों को ही एक्सपोज कर दिया है काम्या पंजाबी ने। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ट्वीट किया है। यहां पर उन्होंने पहला ट्वीट जो किया, अग्री टू गिव सच ट्रीटमेंट इनसाइड द हाउस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शो, और जब दिया है तो ये सब ड्रामा क्यों बिग बॉस, asking these question to the guest or doctor or any outsider is totally normal and very common bad game big boss। यहां तो बिग बॉस की गेम को पूरी तरीके से काम्या ने वाकई में एक्सपोज किया कि जब, पहली बार तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती है, अब जब अलाउड कर दिया है तो भाई ड्रामा क्यों कर रहे हो इतना। उसके बाद यहां पर काम्या ने दूसरा ट्वीट लिखा, उन्होंने लिखा मुनव्वर फंस गया बिग बॉस की जाल में, ही एग्जैक्टली डिड व्हाट ही वांटेड हिम टू डू, करना तो मुनव्वर भी यही चाहता था, डोंट नो व्हाई ही वेस्टेड टाइम इन आस्किंग रिंकू एंड अंकिता की क्या करूं एंड ऑल, मुनव्वर अगर अकेले में बात कर लेता तो बड़ा बन जाता फॉर श्योर। वेल, वाकई में अगर इतनी ही दोस्ती निभानी थी मुनव्वर को तो वो अकेले में जाके अंकिता को बोल देते कि भाई आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी जो कि बहुत ज्यादा अनफेयर था। उसके बाद यहाँ पर जो फैन बेस की बात हो रही थी कि किसका फैन बेस सबसे बड़ा है, यहाँ पर मुनव्वर को लगा मेरी बात हो रही है, अनुराग को लगा मेरी बात हो रही है, दरअसल तो यहाँ तो बिग बॉस की बात हो रही थी। तो यहां पर काम्या ने लिखा बिग बॉस का फैन बेस बहुत बड़ा है, दैट वाज द लाइन, और एग्जैक्टली यही लाइन थी जो कि यहां पर मुनव्वर ने भी इस लाइन को एलिब्रेट नहीं किया और यहां पर कुछ भी नहीं बोला। और अंकिता तो थोड़ी है ही, चीजें याद रहती नहीं है और वो बिल्कुल बेचारी खुद भी फंस गई। तो यहां पर इस तरीके से साफ पता चल रहा है कि भाई बिग बॉस जो करना चाहते थे वो तो यहाँ पर उन्होंने कर दिया, और मुनव्वर कर भी रहे हैं। अभी देखा ही होगा कि जो कीचड़ टास्क हुआ, मड टास्क हुआ, उसमें मुनव्वर ने किसी को नहीं चुना, अंकिता को ही घमंडी बता दिया कि भैया तुम ही हो घमंडी, तुम ही हो बॉसी। अब बॉसी होना गलत नहीं है लेकिन मुनव्वर को ये समझना चाहिए कि बिग बॉस के जाल में मत फंसो, यहाँ पर गेम खेलना है तो अच्छे से खेलो, दोस्ती निभानी तो अच्छे से निभाओ, और अगर दुखड़ा सुनाना है तो दुखड़े के साथ ही बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ दिखाओ। लेकिन यहाँ पर मुनव्वर क्या कर रहे हैं, लॉकअप में काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया लेकिन बिग बॉस के घर में आकर पता नहीं मुनव्वर को क्या हो गया है, किस तरीके से वो गेम खेलना चाहते हैं ये खुद भी मुनव्वर को नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल काम्या पंजाबी ने जो एक के बाद एक तीन ट्वीट किए हैं, इस पर क्या है आपको कहना, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।